तो गाइस ये है नारियल, और दोस्तों जानते हैं कि मतलब ये कितना मजबूत होता है, कितना मतलब पावरफुल होता है। तो गाइस अगर हम इसको अगर आसानी से अगर इस तरह पटक कर फोड़ते हैं तो बहुत शानदार तरीके से फूट जाता है। अगर इसको हम इसी तरह पटक कर बहुत तेज आंगन लाकर इस तरह मतलब बहुत तेज फोड़ते हैं, एक दो टुकड़े में फूट जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इसी को अगर हम ऊंचाई से गिराएंगे 120 फुट हाइट से गिराएंगे तो बस गिराने पता नहीं फूटेगा या नहीं फूटेगा, देखने के बाद मालूम चलेगा क्या होता है। दोस्तों आज हम ये ट्राई करने वाले हैं कि इसको अगर 120 फुट हाइट से गिराते हैं तो यह नारियल फूटता है या नहीं फूटता है। अगर हम इस तरफ पटक कर फोड़ते हैं तो अपने शरीर की तरफ से बहुत ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है फोड़ने के लिए, इसी से यह फूट जाता है। तो 120 फुट हाइट से गिरेगा तो पता नहीं कितना बल लगेगा, तो ये फूटेगा या नहीं फूटेगा। चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है 120 फुट हाइट से ये गिरता है तो नारियल फूटता है या नहीं फूटता है। दोस्तों एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं क्या होगा। तो वीडियो को एंड तक जब देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और मस्त और मजेदार वीडियो देखने के लिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हमारे पास दोस्तों मतलब 120 फुट हाइट नहीं है, इसीलिए दोस्तों हम इसको बहुत ही ऊंचाई तक उछालेंगे, उसके बाद जमीन पाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब एक खड़ंजा है दोस्तों, मतलब ये मतलब ईंट का ये रोड है। तो दोस्तों मतलब इस पर हम बहुत ही ऊंचाई से उछालेंगे, देखते हैं कि मतलब ऊंचाई से उछालने के बाद ये वापस आता है तो ये फूटता है या नहीं, क्योंकि दोस्तों मतलब फूट भी सकता है नहीं फूट सकता है, ये मजबूत भी होता है। चलिए दोस्तों इसको फेंकते हैं, और हमारे पास हाइट होती तो हम हाइट से गिराते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास हाइट नहीं है, इसी मतलब हमको हाथ से काम चलाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम इसको इस तरह अगर ड्रॉपिंग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब इसको गेरा की तरफ से गेरा तरफ जिस तरह गेरा कुदकता है उस तरह ये भी कुदक रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और चलिए इसको ड्रॉपिंग करते हैं बहुत ही ऊंचाई से, देखते हैं पता नहीं क्या होगा। देखते हैं 1 2 3 गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? कुछ भी, कुछ भी। तो गाइस मतलब हमने इसको गिराया मतलब इस फेंक पर, और उसके बाद गिराया दोस्तों मतलब ये मिट्टी पर भी गिरा तो मतलब ये फूट चुका है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम दोस्तों मतलब जिस तरह हॉट होता है उस तरह इसका लुक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अमेजिंग मतलब तरीके से फूटा है, बहुत ही रियली मतलब अमेजिंग तरीके से फूटा है। और हमने सोचा भी नहीं था कि जिस तरह दिल होता है उस तरह फूटेगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एकदम दिल की तरह यहाँ पर फूटा है। और हमने इसको ड्रॉपिंग किया और उसके बाद दिल की तरह एकदम फूट गया। और दोस्तों मतलब ये मिट्टी पर डायरेक्ट गिरा है, मतलब खड़ाने पर भी नहीं गिरा है तो डायरेक्ट मिट्टी पर गिरा है तो फूट गया है। तो गाइस अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और मस्त और मजेदार वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और दोस्तों जो यहाँ पर हमारे पास जो नारियल है उसको हम खा जाते हैं और बांट देते हैं।